हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। द शिप 250 mm लॉन्ग। ठीक है, तो बेसिकली इस शिप का एक्चुअल डायमेंशन दिया हुआ है, इसका मतलब लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप दिया हुआ है। लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप कितना है आपका? 250 मीटर। ठीक है, ओके। मूव्स इन सी वाटर, ये सी वाटर मूव कर रहा है और इसकी जो डेंसिटी है बेसिकली प्रोटोटाइप की डेंसिटी हो जाएगी, है ना, डेंसिटी प्रोटोटाइप, तो 1030 kg/m³। अब ये 1:125 मॉडल, ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है आपका? एल मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, इसकी वैल्यू दी है 1/125। ठीक है, ये दिया हुआ है। शिप टू बी टेस्टेड इन विंड टनल, इसको हमको विंड टनल में टेस्ट करना है। द वेलोसिटी ऑफ एयर इन विंड टनल, ठीक है, अराउंड द मॉडल, जो मॉडल बनाया है उसकी वेलोसिटी दी है। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है आपको? वी मॉडल, ये कितना दिया हुआ है? 20 m/s। द रेजिस्टेंस ऑफ मॉडल, ठीक है, तो बेसिकली फोर्स दिया है ना, जो मॉडल का है, ये फोर्स कितना दिया है? 50 N। आपको कैलकुलेट क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ शिप, ठीक है, तो प्रोटोटाइप की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, फोर्स भी कैलकुलेट करना है ड्यू टू प्रोटोटाइप पे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ से क्या होगा? रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ से बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ, रो वी डी अपॉन म्यू ऑफ, एक सेकेंड, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इसमें थोड़ा सा डेटा और दिया हुआ है जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। इसमें बेसिकली दिया है डेंसिटी ऑफ एयर दिया है, ठीक है, जैसे डेंसिटी ऑफ, ये प्रोटोटाइप वाला हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया है, तो एयर में बेसिकली क्या हो रहा है? मॉडल का टेस्टिंग हो रही है, तो रो एम इक्वल्स दिया हुआ है 1.24 kg/m³। ठीक है, ये दिया हुआ है, प्लस इसके अलावा इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है सी वाटर की, ठीक है, सी वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है म्यू, न्यू से दिखाते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, सी वाटर की दी है न्यू, प्रोटोटाइप हो जाएगा आपका 0.012। ठीक है, और एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है न्यू मॉडल, ये दिया 0.018 स्टॉक। ठीक है, ये दोनों CGS यूनिट हैं और आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं किसमें? SI यूनिट में। तो रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ से बेसिकली क्या होगा? रो बी डी, ठीक है, रो बी डी मॉडल मस्ट बी इक्वल्स टू रो बी डी अपॉन म्यू प्रोटोटाइप। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली अब इसमें डेंसिटी दी, क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। डेंसिटी दी है मॉडल में, मॉडल की डेंसिटी कितनी दी है? एयर की डेंसिटी 1.24, तो 1.24 इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको नहीं दी है मॉडल वाले, हाँ एयर की वेलोसिटी दी है आपको यहाँ पे, ठीक है, मॉडल की वेलोसिटी दी है, एयर की वेलोसिटी 20 m/s, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, डी इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली ये क्या दिया? लेंथ दी है ना, डी और लेंथ का रेशियो एक ही आएगा, तो यहाँ पे डी सबस्क्रिप्ट एम कर देता हूँ इक्वल अपॉन म्यू। हाँ, इसमें डी की ज़रूरत भी नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको और रिफाइन करके लिख सकता हूँ, जैसे इसको मैं कैंसिल आउट करूँ, सॉरी, इस फॉर्मूले को मैं काइनेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? न्यू इक्वल्स होता है, न्यू इक्वल्स होता है आपका म्यू अपॉन रो। ठीक है, तो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसकी जगह आप क्या आ जाएगा? काइनेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? वी इंटू डी अपॉन न्यू फॉर मॉडल मस्ट बी इक्वल्स टू वी डी अपॉन न्यू फॉर प्रोटोटाइप। ठीक है, तो वी आपको वेलोसिटी दी है मॉडल में 20, ये दिया हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी है आपको? 20 m/s, तो 20 इंटू डी नहीं दिया है, तो यहाँ पे डी एम लिख लेता हूँ अपन न्यू की वैल्यू दी हुई है, तो न्यू की वैल्यू कितना स्टॉक दी है मॉडल के केस में? ये 0.018 स्टॉक, और स्टॉक को आपको उसमें चेंज करना है, स्टॉक का मतलब बेसिकली CGS यूनिट है cm²/s, और इसकी SI यूनिट क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी m²/s, तो ये हो जाएगा आपका 0.012 × 10⁻⁴ m²/s।
ठीक है, तो आप इसको ऐसा यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं, इंटू 10^-4 इक्वल्स क्या आ जाएगा, वी, ये वेलोसिटी आपको नहीं दी है, इंटू डी पी, ठीक है, इक्वल्स न्यू, न्यू यहाँ पे कितना है प्रोटोटाइप के लिए, इसकी वैल्यू 0.012, 0.012 इंटू 10^-4, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये आ जाएगा आपका वी, ये वी है इक्वल्स 20 अपॉन 0.0, 10^-4 से 10^-4 कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है, 20 इंटू 0.018, और ये ऊपर पहुँच जाएगा 0.012, ठीक है, इंटू डी एम अपॉन डी पी, है ना, डायमीटर, डायमीटर की जगह इवन हम रेनॉल्ड्स नंबर में लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका इधर आ जाएगा वी इक्वल्स वी आ जाएगा। अब ये रेशियो दिया हुआ है डी एम अपॉन डी पी, डी एम अपॉन डी पी की बात करूँ या ये, तो ये इसकी वैल्यू कितनी, 1/125। तो यहाँ से हम वेलोसिटी को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, तो 20 × 0.012 ये आ गया, डिवाइड कर दिया 0.018 ये आ गया, ठीक है, तो ये आ गया 13.33 × डी एम अपॉन डी पी की वैल्यू दी है। बेसिकली डी एम अपॉन डी पी है ये किसके इक्वल होगा, एल एम अपॉन एल पी, ठीक है, और एल एम अपॉन एल पी दिया हुआ है 1/125, इसकी वैल्यू कितनी, 1/125, तो ये हो जाएगा 1/125 इक्वल्स क्या आ जाएगा, वी। इसको मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो 13.33 है डिवाइडेड बाई 125, ये आ गया 0.10667, ओके, इक्वल्स वी, तो वी की वैल्यू आ गई 0.10667 m/s, ये आपका वेलोसिटी आ गया। अब आपको क्या निकालना है वेलोसिटी के बाद, वो बिस्कस, वो फोर्स निकालना है, ठीक है, ड्रैग फोर्स निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या है, ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ मॉडल, ठीक है, एफ एम मॉडल का दिया है, एफ एम अपॉन एफ प्रोटोटाइप, ठीक है, ये क्या होता है, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर ऑफ मॉडल अपॉन रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन और प्रोटोटाइप, ठीक है। तो हमको क्या है, ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है मॉडल वाली, ठीक है, तो ये कितना है, 50 अपॉन एफ पी इक्वल्स रो। अब इसमें मॉडल के लिए रो की वैल्यू कितनी, 1.24, ये हमने देखा था अभी, 1.24 kg/m³, तो ये 1.24 है ना, और ये रेशियो हमारे पास है, अभी मैं लिख दूंगा उसको, इंटू वी स्क्वायर, तो इसके केस में वी कितना है मॉडल के लिए, वी मॉडल के वी की वैल्यू जो है वो 20 m/s है, तो ये 20 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे नीचे डेंसिटी सी वाटर के लिए कितनी है, 1030, ठीक है, इंटू वी, वी अभी निकाला है इसके लिए सी वाटर के लिए, इसके लिए 0.10667 आया है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब इंटू बचा क्या, एल एल एम का स्क्वायर अपॉन एल पी का स्क्वायर, ठीक है, तो सीधा वैल्यू पुट अप करते हैं, तो ये 50 तो है ही, इसको रहने देते हैं, 50 50 अपॉन एफ पी इक्वल्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.24 इंटू 20 का स्क्वायर ये आ गया, इसको डिवाइड कर दिया 1030 से, फिर इसको डिवाइड कर दिया 0.10667 m² से, ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया 42.32 इंटू, है ना, एल एम अपॉन एल पी, ये वैल्यू है, तो 1/125 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एफ पी निकालना है आपको, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 50 अपॉन एफ पी इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये 42 है ही वैल्यू, इसके बाद 1/125 का स्क्वायर, ये आ गया आपका, ठीक है, इक्वल्स 2.70857, ठीक है, 6 8 है तो मैं 7 कर देता हूँ, ओके, इंटू 10^-3, ठीक है, तो एफ पी
एफ इक्वल्स कितना आ जाएगा, एफ इक्वल्स आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2.70857 इंटू 10⁻³। तो ये है ऑलरेडी, तो 50 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी एफ पी, है ना। रेजिस्टेंस फोर्स इन प्रोटोटाइप आ जाएगा आपका 18459.9 न्यूटन। ठीक है, ये आपका आंसर दूसरा भी आ गया।